भारतीय नौसेना की हाल ही में गठित विंग INAS 325 एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए वर्दी पर एक विंग के लोगो की आवश्यकता थी, जिसके लिए विंग ने एक लोगो के डिजाइन की मांग की थी और इस लोगो को बनाने के लिए देश की कई लोगो डिजाइन भेजी, जिसमें सीहोर नगर का एक युवा अंचल साहू भी शामिल था। अंचल साहू द्वारा बनाया गया लोगो विंग को पसंद आया और कुछ सुझाव के साथ विंग ने अंत में अंचल साहू के डिजाइन किए लोगो को स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। अंचल साहू के डिजाइन किए लोगो को विंग INAS 325 के जवान और अधिकारी अपनी वर्दी सहित कैप पर लगाकर पहनेंगे। वहीं जब अंचल साहू को विंग कमांडर का स्वीकृति पत्र मिला और एक कैप मिली तो अंचल साहू के चेहरे पर खुशी छा गई, क्योंकि साहू लंबे समय से इस लोगो डिजाइन पर काम कर रहे थे। हालांकि नौसेना विंग ने अंचल साहू को इस डिजाइन के लिए पारिश्रमिक देने की भी पेशकश की थी, पर अंचल साहू ने इनकार कर दिया। इंडियन नेवी के लिए जो मैंने अभी लोगो बनाया उनकी यूनिट INAS 325 के लिए, वो बना के मैं बहुत खुश हूँ। इंडियन नेवी को सर्व करने में को बहुत खुशी हुई है। कैसे मालूम हुआ कि आपका ये जो आपका लोगो अप्रूव्ड हुआ है? मेरे जो चाचा जी हैं वो इंडियन नेवी में हैं, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था कि उनकी एक नई यूनिट बन रही है, उसके लिए एक लोगो की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था वहाँ पे, तो ये काम मेरे को रिकमेंडेशन पे मिला है। तो वहाँ से क्या क्या आया आपके पास? एप्रिसिएशन लेटर आया है? मेरे को एप्रिसिएशन लेटर दिया है उन्होंने, एक उनकी यूनिट की कैप दी है, उनने 3-4 लोगो दिए हैं अपने। तो जो कैप आपको दी गई उस कैप पे आप ही हाथ का बना लोगो है, कितनी खुशी हो रही है? मेरे को बहुत खुशी हो रही है वो देखकर कि मेरा बना हुआ लोगो इंडियन नेवी अब पहनेगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं भले इंडियन नेवी में नहीं जा सका, बट इंडियन नेवी को सर्व कर पाया मैं किसी न किसी रूप में, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है। परिवार में कैसा माहौल है? परिवार में भी बहुत अच्छा माहौल है, मम्मी पापा दोनों बहुत खुश। ये मेरे लिए बहुत खुशी वाला पल है कि वो हमेशा लाइफ टाइम इंडियन आर्मी में इसका नाम से बना रहेगा, सेना में जवान आते जाते रहते, मगर ये लोगो हमेशा एक स्थायी रूप में वहाँ पे चिन्हित रहेगा। जब वहाँ से एक प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ, कैप आया वहाँ से, तो कितनी खुशी हुई? लेटर आने के पहले मेरे को इतना नहीं था, मगर जब लेटर आया, एप्रिसिएशन लेटर आया वहाँ से, इसके लिए स्मृति चिन्ह वगैरह जो प्राप्त हुए, तो उसको देख के अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राउड फील हुआ कि हाँ बच्चा काफ़ी अच्छा कर रहा है, जबकि पूर्व में इसको राज्यपाल पुरस्कार भी मिल चुका है, अभी रिसेंटली 12th के अंदर 90+ भी उसके मैथ्स उसमें बनाए हैं। सीहोर से कवि छोकर की रिपोर्ट।